हाँ जी। और दिल्ली का चित्र क्रिश्चियन धर्म के बीच में महात्मा ने बनाया रमेश आधार तो मामा ये तो भारतवासियों का चित्र है। है ये तो भारतवासियों का चित्र है दिल्ली का भारतवासियों का। हाँ तो क्रिश्चियन धर्म की आत्मा भारतवासियों का चित्र देख रहा क्योंकि भारतवासी विदेशियों के द्वारा जो आविष्कार होता है उसी को मानते हैं। ये राज है भारतवासी समझते हैं कि ये विदेशी हमसे ज्यादा बुद्धिमान हैं और ये बात सही भी है। देवताएं बुद्धिमान होते हैं या राक्षस बुद्धिमान होते हैं? राक्षस ज्यादा बुद्धिमान तीखे होते हैं और शिव बाबा बुद्धिमानों की बुद्धि है। वो बुद्धिमानों की बुद्धि बुद्धिमानों के अहंकार को सहन नहीं करता। अहंकारियों को नीचा दिखाता है। मुझे कौन से बच्चे प्रिय हैं? दिल वाले बच्चे प्रिय हैं या बुद्धि वाले बच्चे प्रिय हैं? शिव बाबा के सामने कोई क्या बुद्धि का कमाल दिखा देगा? वो बुद्धि का कमाल दिखाते हैं दुनिया का विनाश करने के लिए और शिव बाबा बुद्धि का कमाल दिखाते हैं नई दुनिया रचने के लिए। और बाबा कृष्ण और राधे की पूजा नहीं होती है, है? ये किसने कहा कि राधे कृष्ण की पूजा नहीं होती है? ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। राधे कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं। ब्रह्मा कलाहीन है। 16 कला संपूर्ण बनता है तो विष्णु बन जाता है। और अच्छा कोई जयंती जयंती होती है तो जयंती जिसकी होती है उसका फोटो तो छोटा और जो आयोजक देते हैं वो अपने बड़े बड़े फोटो लगा ले। आयोजक देते हैं वो अपने बड़े बड़े फोटो लगा ले। ये शूटिंग संगम युग में रचयिता और रचना का ज्ञान होता है। रचयिता बड़ा या रचना बड़ी? तो यही राज है। रचयिता बड़े होकर के अंत में प्रत्यक्ष होता है। और गीता पाठ समय में कोर्स करवा के भक्ति का कोर्स हो जाता है और डेली आत्मा क्लास करती है मधुबन में भी और गीता पाठ समय में भी तो उसको भक्ति पर जा सकते हैं। वो आत्मा भक्ति पर जा सकती है। दोबारा भट्टी करने की क्या जरूरत? नहीं नहीं आत्मा की जरूरत। हाँ बाप की मृत्यु हो जाता है और उसको भट्टी ले सकते हैं।
जो भी कोर्स होता है उसमें निश्चय बुद्धि का कितना फोर्स भरा हुआ है, वो देखना चाहिए। अगर निश्चय बुद्धि है तो भट्टी के लिए भेजा जा सकता है। और मुलारा मुंडा पढ़ा होगा तो माया, मुलारा मुंडा, ये शिव बाबा की याद ही मुलहरा है, फिर माया को प्रवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। और मुक्ति और जीवन मुक्ति में क्या फर्क? मुक्ति कहते हैं छुटकारा, छुटकारा मिलता है दुख दर्दों से। वो छुटकारा दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्यों को, सबको मिलता है, परंतु जीवन में रहते रहते दुख दर्दों से छुटकारा सिर्फ तुम बच्चों को मिलता है। जीवन भी रहे और दुख दर्दों से छुटकारा भी हो जाए, कितने भी दुख आए, कितने भी दुखों के पहाड़ गिरे, परंतु तुम बच्चे मौज में रहेंगे। इस बात का गायन मुसलमानों में भी है कि जब कयामत होगी तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे, जीवन रहते रहते मौज में रहेंगे, या जीवन खत्म हो जाएगा तब मौज में रहेंगे। जीवन खत्म हो गया तो दुख दर्द भी खत्म हो गए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? जीवन भी रहे और दुख दर्द भी ना रहे, मौज ही मौज होती रहे। जो गायन है, अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। और दूर जाके अगर ज्ञान सुनाया जैसे 400-500 किलोमीटर, तो अगर उसको ना कोर्स करवा सकते हैं 2-3 दिन रहकर मधुबनी, हाँ 2-3 दिन रहकर वो भाई कोर्स कर सकता है क्या? दूर से आया है तो 2-3 दिन के लिए रह करके कोर्स कर सकता है। और भारतवासियों का मोड बड़ा कठिन है, भारतवासियों का मोड बड़ा कठिन। हाँ, इसलिए बोला कि भारत ने दुख भी बहुत झेला है और भारत ने सुख भी बहुत झेला है। भारत जितना सुखी कोई देश नहीं होता और भारत जितना दुखी भी कोई देश नहीं होता। जो जितना नीचे गिरता है वो उतना ऊंचा उठता है। नीचे गिरने की भी ताकत भारत में सबसे जास्ती है और ऊपर उठने की भी ताकत भारत में सबसे जास्ती है। सहन करना भारत में होता है और सामना करने की भी ताकत भारतवासियों में ही सबसे जास्ती आती है, क्योंकि भगवान सहयोगी बनता है। और यज्ञ करना, जाप करना उत्तम कला है। याग और याद, याद होती है मन से
और यज्ञ करने में तन की इंद्रियों को ही स्वाहा करना पड़ता है, तपाना पड़ता है, तो एक हो जाता है मन मना भव और दूसरा हो जाता है मद्याजी भव, उसे यजन कहना कहते हैं। यजन करना पहले नहीं होता है, मन मना भव पहले होता है। जब मन लग गया तो तन की ताकत भी लगाई जा सकती है। मन दूसरी ओर लगा हुआ है तो धन और तन की ताकत भी दूसरी ओर जाएगी। यजन नहीं हो सकता सही, इसलिए पहले मन मना भव, बाद में मद्याजी भव। बाबा जैसे हमारा कोई लौकिक संबंधी हॉस्पिटल में भर्ती है, हॉस्पिटल जी, तो कई लोग इसके लिए बच जाए इसके लिए यज्ञ तब भी करते हैं, ब्राह्मण यज्ञ करवाते हैं, है? यज्ञ करवाते हैं, वो तो झूठा यज्ञ है, मेटेरियल यज्ञ है। उस यज्ञ से 2500 वर्ष में कोई फायदा तो हुआ नहीं, वो यज्ञ करते करते दुनिया और नीचे गिरती चली गई। वो आत्मा मतलब अच्छी हो जाए, वो आत्मा की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए, उसके करना चाहिए। आत्मा की उन्नति होती है यज्ञ करने से, कोई की उन्नति हुई तबीयत अच्छी हो जाती है, गारंटी है। फिर तो कोई इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाएगा नहीं, सब यज्ञ करने लग पड़ेंगे। परंतु ऐसा तो होता नहीं, और यज्ञ की प्रक्रिया सिर्फ भारत में होती है, भारतवासियों की तो संख्या ही बहुत थोड़ी है, विदेशियों की विधर्मियों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर यही सच्चाई होती तो सारी दुनिया उसको अपनाती, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो बाप आकर के बताते हैं। और स्त्री पुरुष में कोई दोनों में से एक शरीर छोड़ के चला जाता है, तो शूटिंग पैक में उसकी शूटिंग कैसी होती है? दोनों से एक एक शरीर छोड़ देता है, अकेला रह जाता है, उसकी शूटिंग कैसी होती है गंगा में? क्यों इधर नहीं होता है ऐसा? नहीं होता है, पर कैसे गलत कर्म हो जाते हैं, पाप कैसे कर्म हो जाते हैं, तो ऐसा होता है पाप कर्म हो जाते हैं, उसकी शूटिंग यहाँ नहीं होती। माया पाप कराती है, बाप पुण्य कराते हैं, वो शूटिंग यहाँ नहीं होती है। श्रीमत पर चलने से पुण्य होता है, मनमत और मनुष्य मत पर चलने से पाप बन जाते हैं, वो शूटिंग यहाँ नहीं होती। क्या कर्म हो जाता है? क्या कर्म हो जाता है ऐसा? देह अभिमान का कर्म हो जाता है। देह अभिमान में आने से विकर्म बन जाते हैं, बाप आकर के आत्मा अभिमानी बनाते हैं, तब ही सुकर्म होते हैं। और बाबा नाम डाल देते हैं, त्रिमूर्ति भवन डाल देते हैं, त्रिमूर्ति पर तीन रास्ते पर जाकर पूजा करते हैं। हाँ, यादगार कहाँ की है? लेकिन आज की मुरली में आया तीनों मूर्ति अलग अलग रास्ता बताने वाली है, लेकिन उसमें जिसकी मुरली में आया था कि ब्रह्मा विष्णु तीन रास्ते में एक गुरु पर जाकर मिलते हैं, तीन रास्ते। हाँ हाँ, अलग अलग रास्ता। हाँ हाँ, जब किबाटा होता है
तो टिबाटा होता है, वो तीनों रास्ते एक जगह मिल जाते हैं ना, तो तीन मूर्तियों का आधी रास्ता अलग अलग है। अभी ब्रह्मा की मूर्ति अलग जा रही है, विष्णु की मूर्ति अलग जा रही है और शंकर की मूर्ति अलग रास्ता बता रही है। तो तीनों रास्ते अलग अलग हो गए या मिले हुए हैं या मिलने वाले हैं? मिलने वाले हैं। और अगर रोना क्यों आता है, रोने के बाद मन हल्का क्यों होता है? रोना है पश्चाताप, पश्चाताप करने से पाप हल्का हो जाता है, इसलिए हल्कापन आता है। और माया और विकृति हाथ मिलाती है, प्रकृति तरफ सब भागेंगे। प्रकृति भागेगी? नहीं, सब भागेंगे। सब भागेंगे, प्रकृति जब घूंघट खोलेगी तो सब भागेंगे उसके तरफ, आपको मिल जाएगी। हाँ, माया ने प्रकृति से हाथ मिलाया है, सबके सामने प्रकृति घूंघट में है या माया के सामने भी घूंघट में है? माया जिसने प्रकृति से हाथ मिलाया है उसके सामने प्रकृति घूंघट में है या नहीं है? है? है। वो घूंघट जब उठेगा तो सब दोनों के प्रभाव में आ जाएंगे। एक माया का पसारा ही इतना बड़ा होता है और माया सारे संसार का विनाश नहीं कर पाती। प्रकृति तो सारी दुनिया का विनाश करने के निमित्त बन जाती है। तो माया और प्रकृति की शक्ति एक और एक मिलकर के 11 गुनी हो जाएगी। उसके प्रभाव में आ जाएंगे। एक भगवान शक्तिमान का रूप ही, प्रैक्टिकल रूप ही बचेगा, जिसके लिए कहा जाता है छुपर उत्तम बाद में खुले। विद्वानों पंडितों को शास्त्र का घमंड बहुत है, शास्त्र भी कुछ नहीं है। शास्त्र तो कुछ भी नहीं है, कुछ है, कुछ खरतेल निकलता है, दुनिया का कुछ कल्याण होता है, कल्याण तो कुछ भी नहीं होता। जब कल्याण ही कुछ नहीं होता है तो उनका प्रभाव जीरो हो गया। भगवान आकर के जो सुनाते हैं उसका प्रभाव इतना पड़ता है कि नई दुनिया बन जाती है। और धर्मराज सजा देने के निमित्त बनेंगे तो किस पर्सनालिटी में बनेंगे? प्रैक्टिकल में बनना है ना। हाँ, तो एक आदमी काम करता है कि उनका ग्रुप होता है? तो ये ग्रुप है सारा का सारा। रुद्र के जो मणके हैं वो ही धर्मराज के दूत बन जाते हैं। तो उनका मुखिया रुद्र भी जरूर होगा। जो रौद्र रूप धारण करता है
भयंकर रूप धारण कर लेता है। जैसे आदि में भयंकर रूप धारण किया था, यज्ञ कुंड से ही विनाश ज्वाला निकल पड़ी थी, सब कुछ बिखर गया। वो तो आदि का छोटा रूप था, अभी अंत में तो बड़े रूप में सामने आना है। और हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पे लिया था, इस प्रकृति हनुमान का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? तो ब्रह्मा की सोल जब संपन्न बन जाएगी तब ईश्वरीय ताकत से भरपूर हो जाएगी, या अभी ईश्वरीय ताकत से भरपूर है या आसुरी ताकतों से भरपूर है? अभी आसुरी ताकतों से भरपूर है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु संकर की अनुसुईया माँ अपना बच्चा बना देती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये पुरुष रूप हैं या स्त्री रूप हैं? और पुरुष सब क्या होते हैं? है? दुर्योधन दुशासन होते हैं, उनमें प्योरिटी की पावर होती है या नहीं होती है? पुरुषार्थी जीवन में, पुरुषार्थी जीवन में है, पुरुषार्थी जीवन में प्योरिटी की पावर नहीं होती है, इसलिए उनको बच्चा अर्थात रचना बनना पड़ता है। माता तो माता है, उसमें प्योरिटी की पावर है। और साकार साकार नहीं है उसका। किनका? तो साकार तन नहीं है, लेकिन साकार तन के साथ हिसाब किताब है या नहीं है? है? तो हिसाब किताब है तो भागीदारी बन जाती है। जैसे यज्ञ के आदि में एक ने अपना धन लगाया और दूसरे ने अपना मन और तन लगाया तो भागीदारी बन गई, ऐसे ही यहां भी है। और बाबा बेसिक में गार्जियन तो बहुत है, ब्रह्मा बाबा दादी के तन में क्यों आते हैं? है ब्रह्मा बाबा है इनका दादी के तन में क्यों आते हैं? बता तो दिया, यज्ञ के आदि में गुलजार दादी छोटी बच्ची के रूप में थी, बहुत लावण्यमयी थी, बाबा उसे अपनी ओर खींचते थे और वो बार बार भाग जाती थी। बाबा के कभी भी आकर्षण में नहीं आई, यहां तक कि होते होते बड़ी हो गई और बाबा ने शरीर भी छोड़ दिया।
बाबा का उस बच्ची की तरफ लगाव लगा रहा तो अंतमते सोगति हो गई। और संविधान से संविधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, क्या सबके लिए लागू होता है? सबके लिए लागू, सबको बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं क्या? प्रजा वर्ग राजयोग सीखेगी क्या? फिर बाप तो सिर्फ राजाओं को राजा बनाने के लिए आया है। जो राजयोग सीखते हैं, पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाई में पास होते हैं, प्रजा वर्ग में जाने वाली आत्माएं तो पास होने योग्य नंबर ही नहीं लेती, तो उनके लिए थोड़े ही है 40 से 50 वर्ष। सबकी बुद्धि साथ में है पिया के, तो बरसात भी नहीं है। जिनकी बुद्धि है साथ में उनके लिए बरसात है। बरसात तो ज्ञान की है ना, और ज्ञान तो उन्हीं की बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि बाप के साथ लगी हुई होगी। और ये बायोस्कोप ड्रामा में साइंस दानों का कमाल है। साइंस के जो भी साधन बने हैं उनका विस्तार अंतिम 100 वर्षों में हुआ है। ये माया का पंप एंड शो है, ये माया का पंप एंड शो भी बाप के कार्य में बहुत मदद करता है, क्योंकि माया भी बाप की बच्ची है। इन साइंस के साधनों से बाप की प्रत्यक्षता नहीं हुई है। जो बोला है ये अखबार, ये टीवी, ये रेडियो बाप की ग्लानी के आदि में साधन बने और अंत में यही गायन के साधन बन जावेंगे। बाबा भी स्थानीय न्यूज चैनलों में बाबा की मुरली चला सकते हैं? स्थानीय चैनलों पे, लोकल चैनल में, टीवी चैनलों में बाबा की मुरली चला सकते हैं? ठीक है, पैसा देने की जरूरत नहीं है। नहीं, यदि कोई न्यूज चैनल वाला मान जाए, समझाओ, समझाने से मान जाए तो ठीक है, सच्चाई को बेचने की क्या जरूरत है? न्यूज चैनल की एजेंसी ली जाए तो बाबा है, न्यूज चैनल की एजेंसी ले ली जाए तो, और फिर बाबा को न्यूज चैनल का रजिस्ट्रेशन करवा के बाबा की मुंडी चलाई जाए तो लोकल ही तो रहेगा, सारी दुनिया में तो नहीं फैल जाएगा। बाप की प्रत्यक्षता सारी दुनिया में करनी है या सिर्फ लोकल में करनी है? और संस्था को ही रजिस्टर कराने के लिए बाबा ने मना किया हुआ है?
भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट से जिस चीज की रजिस्ट्री कराई जाएगी, भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट उसके ऊपर कानून और नियम थोप देगा। उन कानूनों के अधीन हमको रहना पड़ेगा। हमने जिन लोग दे सकते हैं बिना पैसे दिए, बिना पैसे दिए और की इस दुनिया की हर आत्मा पहले सतो प्रधान होती है और बाद में तमो प्रधान बन जाती है। जो जितना पुराना होता है उतना ही जास्ती पावरफुल होता है। तो राम वाली आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सबसे पुरानी थी, पुरानी है, इसलिए बहुत पावरफुल है। बाकी नंबरवार सभी आत्माएं रावण संप्रदाय बनती हैं। तो ज्यादा पावरफुल रावण कौन बनता है? जो सबसे ओल्ड है वो सबसे जास्ती गोल्ड भी था और अंत में जाकर के सबसे जास्ती आयरन एज भी बन जाता है। शिव तो सदा विराजमान रहता है ना, अंत तक भी विराजमान रहता है ना। शिव तो परम धाम वासी है, शिव की याद भरपूर होने की बात है। कोई बैटरी बड़ी है आत्मा रूपी और कोई बैटरी छोटी है, नंबर वार बैटरीज है। कोई बैटरी ऐसी है सारा कल्प काम में आती है, पावरफुल बनकर के रहती है। ये अभी याद की बात है, जिसने जितना भरा है उतना पावरफुल बैटरी बन जाती है। बाकी ऐसे नहीं है कि भगवान शिव सर्वव्यापी है, नहीं, याद सर्वव्यापी है या भगवान सर्वव्यापी है? है याद सर्वव्यापी है। कोई में याद की कम पावर है, कोई में याद की जास्ती पावर है। और है जब शुरुआत सृष्टि की स्थापना हुई तो सभी आत्माएं फ्रेश थी, सभी आत्माएं फ्रेश थी। सबको फ्रेश थी जब शुरुआत सभी कैसे फ्रेश हो जाएंगी? जब शुरुआत की सृष्टि की तो सभी आत्माओं का निर्धारण संगम युग में फ्रेश होते हैं सबसे जास्ती या सतयुग में सबसे जास्ती फ्रेश होते हैं? तो संगम युग में नंबर वार फ्रेश होंगे या सब इकट्ठे फ्रेश हो जाएंगे? बाबा संगम युग में तो नंबर वार है, तो वहीं से शुरुआत होती है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट। ये एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है जब से पहली पारिवारिक इकाई की शुरुआत होती है नई दुनिया की, तो उसमें थोड़े होंगे या ढेर के ढेर होंगे? सब कैसे हो सकते हैं? तो उनके पार्ट का निर्धारण कैसे हुआ स्टार्टिंग? पुरुषार्थ के आधार पर, जो जितना पुरुषार्थ करे उतना लिए अपने लिए निर्धारण करे। जैसे होते सृष्टि जो है अपने आप बनी है, अपना भी बनी नहीं है, बनी बनाई है।
आत्माएं बनती नहीं है, वो बनी बनाई है ऑलरेडी, कोई बनाता नहीं है। शिव भी अपने आप। अरे बनने की बात ही नहीं है, वो तो अनादि है। अगर बनने की बात आएगी तो कहेंगे किसने बनाया, कब बनाया। और बाबा दो सीता है ना, दो सीता है तो राम सीता किसको कहेंगे है, एक सीता तो झूठी गीता एक सच्ची गीता है तो किसको कहेंगे। जो रावण बनाता है वो झूठी गीता बनाता है, और बाप आकर के बनाता है वो सच्ची गीता बनाता है। गीता भी प्रैक्टिकल में होनी चाहिए और बाप भी प्रैक्टिकल में होना चाहिए। गीता प्रैक्टिकल हाँ, जो ज्ञान को धारण करे प्रैक्टिकल में वो सच्ची गीता, और जो प्रैक्टिकल में धारण नहीं कर सके सिर्फ बोल बोल करे वो झूठी गीता। बोल बोल करने वाली तो अभी नहीं है, वो तो धारण कर रहा है, वो है जो अभी धारण कर रहा है ज्ञान को, वो प्रैक्टिकल वो भी नहीं है जो धारण कर रहा है। बोल बोल करने वाली तो जगदम्बा की बताया। हाँ वो नहीं है, है तो ना। हाँ फिर वो सच्ची गीता धारण कर रहा है ज्ञान को। हाँ हाँ, जब ज्ञान धारण करती है तो प्रत्यक्ष भी होती है। हाँ ये नियम बना हुआ है, कोई लास्ट में आते हैं कोई फर्स्ट में आते हैं, लास्ट में आने पर भी फास्ट जावेगी प्योरिटी की पावर से, और धारण में तीखी चली जावेगी। ड्रामा में जैसे कोई सीन ऐसा है जो हम चाहते हैं कि वो अगले जन्म में रिकॉर्ड ऑलरेडी भरे हुए हैं या भरे जाते हैं भरे हुए हैं नाटक में चेंज हो सकता है, ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकता। जो एक बार हो गया वो हमेशा वही चलेगा, वो ही चलेगा, इसका कोई पुरुषार्थ नहीं चेंज करना। पुरुषार्थ है क्यों नहीं, पुरुषार्थ अनेक जन्मों के लिए है। हमें जो परिवर्तन करने की बात आती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ एक जन्म का हमको मालूम है, और जन्मों का हमको पता ही नहीं है। तो जो पता नहीं है वो हम अच्छा बना सकते हैं, अच्छे में अच्छा बनाए। और जो आत्माएं दुनिया का धन कमाना छोड़ चुकी हैं, चाहे बेसिक में है चाहे एडवांस में है, उनमें ऐसे सैंपल देखे जा रहे हैं या नहीं देखे जा रहे हैं कि लौकिक दुनिया वाले जो स्थूल धन कमाते हैं उनसे ज्यादा धनवान बन गए हैं, बन गए हैं या नहीं बन गए हैं। तो ये ज्ञान रतन ही स्थूल धन बन जावेंगे और इसी जन्म में बन जावेंगे।
इसलिए कहते हैं कि भगवान आकर के जितना कैरियर अच्छा बना सकता है उतना अच्छा कैरियर दुनिया में और कोई गुरु टीचर नहीं बना सकता। जब बेसिक में ऐसे मिसाल देखे जा सकते हैं तो एडवांस वाले तो कितने आगे चले जाएंगे। बेसिक वालों को तो विश्व की बादशाही नहीं मिलनी है, एडवांस वालों को तो सारे विश्व की बादशाही मिल जाएगी। तो कितने धनवान हो जाएंगे। किसकी बदौलत धनवान बने? ज्ञान धन की बदौलत। और बीज में दासत्व भाव होता है। बीज रूप आत्मा में दासत्व भाव होता है। दासत्व हाँ। और जितने भी राजा बनने वाली आत्माएं हैं वो सब बीज रूप आत्माएं हैं। ये कोई बात नहीं होती है। दुनिया की हर चीज पहले सत्व प्रधान होती है, बाद में तमो प्रधान होती है। हाँ, कोई कम सत्व प्रधान और कोई ज्यादा सत्व प्रधान। बाकी हर बात में, हर आत्मा में, हर बीज में दासत्व भाव होता है ऐसा नहीं है। और इस दुनिया से जो अधिक जाति है, इस दुनिया से जो अधिक जाति है, किसने अधिक दुनिया में जाति किसने बना हुआ? जाति तो मनुष्यों ने बनाई है। भगवान ने तो आत्मा की पहचान दी है। आत्मा में कोई जाति नहीं है। इसकी शूटिंग कहाँ होती है? इसकी शूटिंग कौन कर रहा है? कोई शूटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है? यही हर बात की शूटिंग होती है। जो भी दुनिया की खराब बातें हैं, खराब परंपराएं हैं, उनकी शूटिंग मनुष्य आत्माएं कर रही है। वैसे जन्म भी होगा बाबा, ऐसे ही होगा बाबा। क्या कारण है कि बंबई वाले सेवा में माताएं हो चाहे भाई हो हमेशा आगे रहे, और क्या कारण है उसमें? उसका कारण यही है, हर हर बम बम की नगरी है। बाप स्वदेशी बनकर आया है या विदेशी बनकर आया है? तो विदेशियों का हेड ऑफिस कहाँ है? भारत में। दक्षिण भारत है भारत का विदेश, उसका हेड ऑफिस कौन सी नगरी है? बंबई। तो बंबई है विनाशकारी। जो भी धर्म पिताएं आए हैं वो सिर्फ नंबरवार अपने धर्म की स्थापना करते हैं। कोई भी पुरानी परंपराओं का, पुराने धर्मों का, पुरानी रीतियों का विनाश नहीं कर पाता। एक बाप ही है जो पुरानी कुरीतियों का, पुराने धर्मों का विनाश करा के जाता है। तो बाप की कैटेगरी के कुछ बच्चे भी होंगे या नहीं होंगे? उनमें भी ये ताकत है। कितना दुनिया में पैसारा फैला हुआ है जो देखने में आता है कि इतनी बड़ी दुनिया कैसे विनाश होगी।
सारी दुनिया के निमित्त बन जाते हैं विनाश कराने के लिए। और बड़ा बनाते आत्मा मतलब सजाते हैं आत्मा, और वैसे परमात्मा को भी सजाते हैं। तो इसमें परमात्मा और आत्मा में क्या है? परमात्मा कभी बिगर सजा हुआ भी होता है, हाँ जी। सुप्रीम सोल शिव है, उसके सजाने न सजाने की बात ही नहीं है। सजावट सारी इस दुनिया की बात है या परमधाम की बात है? इस दुनिया में सजाना करना होता है, इस दुनिया में सजावट बिगड़ती भी है और सजावट संभलती भी है। बाप आकर के सजाते हैं और रावण आकर के बिगाड़ते हैं। तो बाप के प्रवेश होने से काला कैसा बन जाता है? है सुंदर बन जाता है, नाम होता है श्याम सुंदर। इतना काला और इतना गोरा दुनिया में कोई शख्सियत नहीं होती है। कोई धर्म पिता इतना काला और गोरा नहीं बनता। एक मिनट, जब आते हैं तो रावण राज्य से राम राज्य लगते हैं। सीता वाली आत्मा ही राम बनते हैं, सीता वाली आत्मा ही राम बनते हैं। गीता वाली आत्मा, गीता वाली आत्मा, हाँ राम बनते हैं। गीता वाली आत्मा, सीता वाली आत्मा, हाँ राम बनते हैं। हैं राम राम राज्य। सत्युग त्रेता में शासन होता है, वहां अनुशासनहीन कोई होता है? होता है तो कहां की बात है? संगम युग की बातें हैं। और सीता कौन से यात्रा की यात्रा? लायन को ही बबर शेर कहते हैं, लायन अंग्रेजी में कहते हैं। भागने में भी ज्यादा होता है और फूलता भी बहुत है, चौड़ा चकड़ा ज्यादा हो जाता है और मौका देख करके हमला करता है, अवसरवादी होता है। शेर अवसरवादी नहीं होता है, वो सीधा हमला करता है। इसलिए ज्यादा पावरफुल कौन हो गया? टाइगर ज्यादा पावरफुल हो गया। इसलिए भारत का जो पशु है वो कौन दिखाया जाता है? टाइगर दिखाया जाता है। एक है सिंहवाहिनी देवी, एक बाघ है और एक है बाघम्बरी देवी। बाघ को ही टाइगर कहा जाता है। बाघ से बाबा अपना नहीं बनता है, है? जो बाघ गाड़ी लाइन जो होती है ना बाघ, हाँ उससे इतना हाथी नहीं बनता जितना चीता होता है।
वो चित्तल है और बाबा भी तो बोलते हैं इस ड्रामा में जो भी घटनाएं आने वाली हैं भविष्य में वो अचानक होनी है, किसी को स्वप्न में भी नहीं आ सकता, संकल्प में भी नहीं आ सकता और अचानक शुरू हो जाता है, इसी को ड्रामा कहा जाता है। इच्छा पूर्ण कैसे हो जाती है निर्मल बाबा से? निर्मल बाबा की इच्छा पूर्ण हो जाती है। निर्मल बाबा है वो तुरंत की तुरंत जैसे लोग बोलते हैं ये प्रॉब्लम उसी समय सॉल्व करते हैं। अच्छा हमारी प्रॉब्लम है हम नरक की दुनिया में बैठे हैं, हमें स्वर्ग की दुनिया में पहुंचा दो। तो जो छोटे छोटे बाबाएं होते हैं उन छोटे छोटे बाबाओं के जो फॉलोअर्स होते हैं वो भी छोटी छोटी इच्छाओं वाले होते हैं और हमारा बाबा बड़ा तो बड़ा बाबा है, हम बड़े से बड़े बाबा के बड़े से बड़े बच्चे हैं, हमारी इच्छाएं भी बड़ी से बड़ी इच्छाएं हैं। हमारी इच्छाओं को निर्मल बाबा पूरा नहीं कर सकते। थोथा जना बाज घना, अधजल गगरी छलकत जाए, आधी भरी हुई गगरी छलकती है या पूरी भरी हुई छलकती है? तो शिव बाबा आधा भरा हुआ है या पूरा भरा हुआ है, यही राज है। जैसे साई बाबा प्रसिद्ध हुए फिर खलास हो गए, ऐसे दुनिया में कितने आए और कितने खलास हो गए। स्वर्ग तो कोई नहीं बना सका, सब नरक में आए और नरक में गोचे खा गए और ही नीचे गिरते चले गए। एक शिव बाबा ही है जिसके आने से ये नरक की दुनिया स्वर्ग बन जाती है, रंग का राजा बन जाते हैं, कलाहीन सोलह कला संपूर्ण बन जाते हैं, पतित पतित आत्माएं संपूर्ण पावन बन जाती हैं, जो पुजारी है वो पूज्य बन जाते हैं। भगवान का हाथी जब अपनी मर्जी में चलता है देसी वाले बनना वो बहुत होते रहते हैं, तो बाबा की जो कीमत मिल जाएगी क्या बोला? आवाज यहाँ तक नहीं आती। हाँ हाँ एडवांस का हाथी अपनी मस्ती में मस्त होकर चलता है तो बेसिक के बंदर भोगते रहते हैं, जब बाप की श्रीमत मिल जाएगी तो एडवांस का हाथी एक एक बंदर को पेड़ के नीचे दबा देगा, इसका मतलब हाथी को दबाने की दरकार ही नहीं, शेर को बंदर को, बंदर हाथी के नजदीक ही नहीं आ सकता।
वो दूर से गुरुर गुरुर करेगा। आज तक कोई एडवांस वाला ये अनुभव किया कि बेसिक वाले सामने आकर के बात करें, नजदीक आकर के बात करें? नहीं हुआ। हाथी के कभी भी नजदीक बंदर नहीं जाएगा, दूर से चिल्लाते रहेंगे, चाहे अखबारों से चिल्लाएं, चाहे टीवी में चिल्लाएं, चाहे इंटरनेट में चिल्लाएं, रेडियो में चिल्लाएं, ये दूर दूर की आवाजें हैं। और कोई भूल का असर है, कोई भूल जो होती है किसान के जीवन में, तो उसका असर चौरासी जन्मों के ऊपर पड़ता है। भूल का क्यों नहीं पड़ता है? अगर लगातार भूल होगी तो लगातार शूटिंग हो जाएगी। तो भूल को गलती कह सकते हैं ना? भूल को गलती कह सकते हैं ना? सीमत के बरखिलाफ जो भी है वो गलती भी है और भूल भी है। और उधमपुर कूलर दिखाई नहीं देता, फल लग जाता। हाँ, ऐसे बहुत से वृक्ष होते हैं जो फूल ही फूल देते हैं, फल नहीं देते हैं। ऐसे बहुत से वृक्ष होते हैं जो पत्ते ही पत्ते वाले होते हैं, फल वाले और फूल वाले नहीं होते। तीन तरह के वृक्ष गाए हुए हैं, एक फल वाले, एक फल और फूल दोनों वाले, एक ऐसे हैं जिनमें न फल होते हैं न फूल होते हैं, सिर्फ पत्ते ही पत्ते होते हैं। तो ये तो दुनिया है, वैरायटी झाड़ है, इसमें सब तरह की आत्माएं हैं। और बेसिक में यहाँ तेरवी वगैरह करते हैं कि नहीं? ये कहाँ की यादगार है? इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ा? और फाउंडेशन भक्तों ने डाला है या बाप के ज्ञानी बच्चों ने डाला है? भक्तों ने डाला है। भक्ति कहाँ से आती है? रावण से आती है भक्ति। और राम से आता है ज्ञान। राम संप्रदाय वाले बच्चे भी हैं जो भक्ति को खलास कर देंगे। रावण संप्रदाय वाले बच्चे भी हैं जो संगम युग में बाप के आने पर भी भक्ति का फाउंडेशन डालते हैं। अभी संगम में भक्ति का भी फाउंडेशन पड़ रहा है और ज्ञान का भी फाउंडेशन पड़ रहा है। कोई रावण संप्रदाय के भांति साबित होने वाले हैं, कोई राम संप्रदाय के भांति साबित होने वाले हैं। चेहरे तैयार हो रहे हैं, कोई राक्षसी चेहरे तैयार हो जाएंगे, अखबारों में भी छप जाएंगे,
कोई देवता ही चेहरे तैयार हो जाएंगे।